अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फिजान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप ब्रेकिंग न्यूज 0.2। इलेक्शन से चंद घंटे पहले बल्ले के हवाले से इंतहाई अहम खबर सामने आई है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ गई। बल्ले की वापसी के हवाले से जो खबर सामने आई है उस पर ये रिपोर्ट मुलाहिजा करें। पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया गया है और बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले के खिलाफ नजरसानी की यह अपील जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है। और जो दरख्वास्त दायर की गई है उसके अंदर बुनियादी इस्तेदा यही है कि पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के 13 जनवरी के फैसले पर नजरसानी की यह इस्तेदा की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करे ये इस्तेदा की गई है। दरख्वास्त जो दायर की गई है उसमें ये भी मौकिफ अख्तियार किया गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक करवाए गए थे और इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा लेने का इख्तियार नहीं रखता। दरख्वास्त में इस्तेदा की गई कि इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला कल